हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नाज़िम क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी में जो आपको प्रैक्टिकल में चार्ट पेपर पर क्या बनाना है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपके प्रैक्टिकल में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं आसान है उनको समझना वो आपको बताए जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका शुक्राणु की संरचना। ठीक है, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट ने इस टॉपिक को जो है पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। शुक्राणु की संरचना जो है आपने इसका आपको चित्र बना लेना है अच्छे तरीके से, और इसको आपको रीड कर लेना है। और इससे आपके जो है दो फायदे होंगे। एक, आपका ये जो है प्रैक्टिकल के आपके जो 15 नंबर होते हैं यानी पूरे टोटल 30 नंबर होते हैं उसमें फायदा मिलेगा, और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में भी ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और नंबर 2 है मिलर का प्रयोग, यानी जीवन की उत्पत्ति के लिए जो मिलर का प्रयोग है वो आपने देखा ही होगा। उसका चित्र बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना होगा, और उसके बारे में आपसे अगर एग्जामिनर जो है सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो आपको फटाफट बिना डरे किसी बात के एक एक आंसर का जवाब देना होगा बहुत अच्छे तरीके से। चित्र को अच्छे तरीके से कलरफुल पेन से आप ड्रॉ कर कर लेके जाएं जितना अच्छा आपसे बन सके। और नंबर 3 पर आता है मधुमक्खी का जीवन चक्र। बहुत ही आसान तो नहीं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा चित्र बनाने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसी में से जो आप चार्ट पेपर पर बनाकर ले जाएंगे उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, चित्र तो थोड़े से इसमें आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे, लेकिन टॉपिक आसान है। आपके इससे भी जो आपके साथ के साथ टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों चीजें ही आपको देखकर बताई जा रही हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक अभी कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर आता है रेशम कीट का जीवन चक्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको जो है अपने चार्ट पेपर पर ड्रॉ कर ले। ठीक, येलो कलर का चार्ट पेपर नहीं ले क्योंकि उस पर चित्र नहीं चमकता, बाकी और लाइट ब्लू ले ले या व्हाइट ले ले। ठीक, नंबर 5 है आपका जो कलम लगती है गुलाब की, जो गुलाब के फूल होता है ना उसकी जो कलम लगाई जाती है उसमें आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर उसमें, उसका आप चित्र बनाकर ले जाएं, जो उसमें अलग से एक दूसरे गुलाब की वो लगाई जाती है। ठीक, 6 पर आता है हमारा छिपकली का चित्र। छिपकली का चित्र आप बनाकर ले जाएं, और उसमें उसका चित्र बनाने के बाद जो जो उसके भाग हैं उन भागों को अच्छे तरीके से दर्शा दें मार्कर की सहायता से। अच्छे तरीके से आप उसकी सारी चीजों को और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे उसी में से पूछ लिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारा 7, वो आता है आपके मेंढक का चित्र। ठीक, आपने शायद प्रैक्टिकल भी करा होगा मेंढक का, और काफी इंपॉर्टेंट भी है इंटर मतलब क्लास 12th के लिए बायोलॉजी में, तो आपके दोनों फायदे होने वाले हैं मेंढक से भी। आप इसका चित्र बनाकर लेकर जाएं अच्छे तरीके से, और जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे उसका फटाफट आपको जो है जवाब देना होगा। अगर इन चित्रों में से आपको कोई नहीं मिलता है तो हम आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर हम आपको बता देते हैं 9917674814। हम उम्मीद करेंगे कि आपको चित्र प्रोवाइड कराएं अच्छे तरीके से और आपकी हेल्प करें जितनी हो सके। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें अपने यूपी बोर्ड की तैयारी और बेहतर करने के लिए। ये स्टूडेंट की दीवान थी तिवारी जी की, उन पर यही ये वीडियो बनाई गई है।